रोकेगा तू, पर जायज नहीं पाएगा। कोई ना कोई तो जरूर होगा जो विधि के लिए फिल्म बनाने के लिए सोच रहा होगा। मुन्ना ने अपना ईमान गिरवी रख दिया और तुमने अपना घर। तुझे कॉस्ट्यूम्स बनाने ही है ना, तो फिल्म के लिए नहीं, इस माँ बेटी के लिए कफन बना। तुम ये पेपर संजना को दे देना, मैं तुम्हारी माँ के साथ जाता हूँ। जी राजा। एक्सक्यूज मी। हाय, आप आइए ना। आप? मैं प्रीति, संजना की बेस्ट फ्रेंड। ओह, नाइस मीटिंग। हाय। वो एक्चुअली मुझे संजना से कुछ काम था। वो आ रही है, आप बैठिए ना प्लीज। थैंक्स। आपके लिए मैं कुछ ठंडी चाय या गरम कोल्ड कॉफी। पार्डन मी, सो सॉरी। वो एक्चुअली सच कहूँ तो आप इतने बड़े हीरो हैं और हमारे घर पे पहली बार आए हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस। It's okay, cool. We are like friends. आप बैठिए ना, मैं संजना को बुलाती हूँ। Thanks. संजना, ये क्या है? Nothing much, बस kind of time pass. जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो लिखते रहती हूँ। जिंदगी में कभी कुछ खुद के लिए भी कर लेती हूँ। Yeah, but it's a film script. Yup. तुम फिल्म लिख रही हो? प्रेम, मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ा है। ऐसे ही मैं इस फील्ड को इतना पसंद नहीं करती। I mean, it's my dream. मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। तभी तो मैं न्यूयॉर्क गई, पढ़ाई की, वापस आकर रोशन जी को मैं असिस्ट कर रही हूँ। I want to make my own film. Yeah, that's really nice. पर तुमने पहले कभी नहीं बताया। कुछ सपने हैं जो मैंने आंखों में बोए हैं फिलहाल। पता नहीं कब तक पूरे होंगे। संजना, सपने वही पूरे होते हैं जो आंख खोल के लिए जाए, आंख बंद करके नहीं। मुझे सचमुच ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम एक फिल्म बनाना चाहती हो। थैंक्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हारा ये सपना जल्दी पूरा हो। मैंने बचपन से फिल्म इंडस्ट्री को देखा है, इन पन्नों की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। Yes, you're right, Prem. पर ये पन्ने सिर्फ कागज बनकर रह जाते हैं जब तक कि इन पे कोई फिल्म ना बने। एक बात कहूँ, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे घर पे आएगी, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी और आके तुमसे कहेगी कि अगर खाना खा लिया तो चले, आई एम रेडी। ऐसा तो होगा नहीं। अपॉर्चुनिटी खड़ी करो। फिल्में बनती है लेकिन बनाने से, अपने आप नहीं बनती। तुम्हारा जो सपना है ना, उसको अपनी जिद बना लो। यू नो व्हाट, इफ यू रिमेम्बर जब हम पहली बार मिले थे और मैंने फ्रेंड्स कहकर हाथ आगे बढ़ाया था और उस टाइम पे तुमने हाथ नहीं बढ़ाया था, तब मुझे लगा कि शायद फिलहाल मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त बन सकूँ। बट यस, तुमने ये सब बोल दिया मेरे लिए, आई एम रियली हैप्पी। अब तुम मानो नहीं मानो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। फ्रेंड्स, नॉट बैड। मैं दिल से तुम्हें विश करता हूँ संजना।
तुम्हें एक अच्छी टीम मिले, उम्दा कलाकार मिले और इंडस्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नीशियंस मिले। थैंक्स अटान। अरे मैं बातों बातों में ये तो भूल गया, ये डैड ने कोई फाइल भेजी थी। ओके राइट। थैंक्स अ लॉट। आई नीडेड दिस। ओके आई विल टेक योर लीव नाउ। श्योर, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। चाय वाय पिला दो। ये फूल ये सब किसका जन्मदिन है? How sad, Dad. आप आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? अच्छा आज का दिन कोई खास है क्या? कोई वर्ल्ड वॉर हुई थी आज के दिन? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। कहाँ निकल जा रहे हो? आज क्या, आगे भी तो बोल। Happy anniversary! Oh! Thank you. बोलिए जनाब। Thank you बेटा। हाँ? नहीं नहीं मैं बोला नहीं, मुझे याद है, याद था मुझे। सच पूछो तो भूल गया था मैं। वैसे एक बात बताओ सुष्मिता, आपको याद था? इसीलिए तो मैं मंदिर जाकर आई हूँ। अच्छा जी, मतलब गुनेगार सिर्फ हम ही हैं? ये सही है। डैड पार्टी तो चाहिए। अरे हाँ बेटा एनी टाइम। चलो काम करते हैं, आज रात को डिनर के लिए चलते हैं। नहीं 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 हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। डिनर पे सिर्फ और सिर्फ आप और मॉम जाएगी। हाँ माँ। लेकिन बेटा। लेकिन लेकिन क्या माँ? देखो आज आपको हमारी बात माननी होगी। और इस खुशी के मौके पे मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगी और आप लोगों का मुंह मीठा करूंगी। और हाँ भैया आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ जरूर, चला मैं तेरी हेल्प करता हूँ। लेकिन हाँ प्रेम, एक बात का ध्यान जरूर रखना, कहीं पिछली बार की तरह खीर में शक्कर की जगह नमक ना डाल दे अभी का। क्या माँ? चलो। थैंक यू। सॉरी वो मुझे याद नहीं था, नहीं तो डेफिनेटली गिफ्ट ले आता मैं। वैसे तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो, व्हाटएवर यू से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम सब साथ में हैं, मेरे लिए यही काफी है। तो ठीक है, गिफ्ट उधार रहा। और रोशन नंदा सुष्मिता नंदा को एक प्रॉमिस करता है कि ये एक प्रॉमिस उधार रहा। सॉरी विधि, मुझे देर हो गया। नहीं वो एक्चुअली आज माँ और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी। Oh wow, that's great. Andy को विश करना मेरी तरफ से। Sure. माँ भी बहुत याद करती थी। लेकिन जानते हो विधि, डैड को तो आज का दिन याद भी नहीं था। हाँ लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उन्हें आज का दिन याद नहीं था। लेकिन कितनी अजीब बात है ना विधि, दो इंसान शादी के बंधन में बंधते हैं, साथ जीने की कस्में खाते हैं, फिर कुछ अनमन हो जाती है तो जुदा हो जाते हैं, फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर से मिलते हैं, फिर से साथ रहने लगते हैं। लेकिन शादी की तारीख उन्हें फिर भी याद नहीं रहती। प्रेम? हाँ विधि, हम दोनों भी कुछ ऐसी दौर से गुजरे, पहले मिले फिर जुदा हो गए, फिर से मिले और अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। फिर अब जुदा होंगे तो जान लेकर जाना। नहीं नहीं जानती हमारा रिश्ता किस मुकाम तक पहुंचेगा, हम साथ रहेंगे या नहीं, लेकिन तुम साथ देना मत छोड़। हाँ विधि, मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मुझे फिल्म मिल जाएगी, फिर क्या करेंगे?
ड्रम और सपने देखेंगे साथ जीने के। हम ना एक काम करेंगे, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट हम कहीं लिख के रख लेंगे किसी कैलेंडर के पीछे या फिर फोटोग्राफ्स के पीछे। हो सकता है कि अभी भूल जाए, यदि एक दिन हमें ऐसा लगेगा कि हम बूढ़े हो गए, उस दिन भी ना हम ऐसी ही किसी जगह पे बैठेंगे, फिर से गले शिकवे करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे डांट देना, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। प्रेम, प्रेम, तुम यहाँ पे इतने सपने देख रहे हो और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी फिल्म बनेगी या नहीं, मुझे फिल्म मिलेगी या नहीं। तुम साथ जीना चाहते हो और मैं साथ जी तो रहे विधि, हम साथ जी रहे, लेकिन हमारा रास्ता घर की ओर नहीं। विधि, मैं भी यही चाहता हूं कि हम साथ रहे, हमारा भी एक परिवार, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि हमारा लक्ष्य क्या। इस सुख की कीमत तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। जिस दिन तुम्हें एक अच्छी फिल्म मिलेगी ना विधि, और तुम उस फिल्म में बहुत अच्छा काम करोगे, मेरी जिंदगी में उससे बड़ा दिन नहीं होगा। इनफैक्ट और वही तारीख होगी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। कल सुबह से तुम्हारे लिए फिल्म ढूंढना शुरू करें। फिल्म ढूंढना शुरू करें। कल सुबह की शाम तक, जब तक तुम्हें फिल्म्स नहीं मिलती, यदि कोई तो प्रोड्यूसर होगा जो इस वक्त फिल्म बनाने के बारे में, कोई तो राइटर होगा जो ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जिसमें वो तुम्हें ले, वैसे मैडम आप ऐसा रोल करना चाहिए, तवाब का रोल चलेगा, तवाब का रोल बोला दो। वही जो तूने सुना, वही जो तुम सुना, वही जो विधि के लिए एक शब्द और बोला दो। मारोगे मुझे, मारोगे मुझे, मारोगे। विधि बेटा, इतना तुम मायूस क्यों है? हमको मालूम है तुमको फिल्म नहीं मिल रहा है तो तुम बहुत दुखी है। हाँ आंटी, रेड्डी सर की फिल्म भी बीच में अटक गई। अगर उसकी शूटिंग अटकी ना होती तो फिल्म बन भी गई होती। अरे बेटा, हो सकता है कि वो फिल्म तुम्हारे तकदीर में नहीं था, और हो सकता है उससे भी अच्छा और उससे भी बड़ा फिल्म तुमको मिलेगा। लेकिन कब आंटी, मैं थक गई हूं अब, और उससे ज्यादा अब मैं प्रेम को ऐसे नहीं देख सकती। मुझसे ज्यादा दुखी तो वो हो रहा है, हौसला देता है मुझे, लेकिन मैं समझती हूँ वो ज्यादा निराश हो रहा है मुझसे। बेटा, रात चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, किसी ना किसी पल को उसका खत्म होना ही है। सवेरा तो होकर ही रहेगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ नितिन? अपना साम चाचा थे ना, उनके मां चल बसी। ओ गॉड, बस्ती के साले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शमशान ले जाने की तैयारी चल रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग आता है, तुम जाओ और बाकी सबको भी लेके आना। हाँ ठीक ठीक है। विधि बेटा, हमको जाना होगा। क्या है ना कि सुख दुख में बस्ती में सब लोग इकट्ठा होता है। तुम बैठो,
हम जाके आते हैं। अरे नहीं आंटी, मैं भी आती हूँ ना आपके साथ। लेकिन तुम आंटी, अब ये बस्ती भी मेरी है ना, मेरे बुरे वक्त में इन सब ने मेरा साथ दिया है, तो अब तो मुझे आना ही चाहिए, है ना? चलिए चलते। हाँ चलो। एक मिनट बेटा, किसी का डेथ हो गया, हम वहाँ जा रहे हैं ना, अगर तुम्हारे पास कोई सफ़ेद कपड़ा है तो पहन लो। हाँ आंटी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ऐसी फिल्म के लिए तो तुम्हें काफी लड़कियां मिल सकती हैं। मुझे नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं विधि, यू टेक योर टाइम, मैं तुम्हारा इंतजार कर। बाय, सी यू। I'm good. So you love photography? Not really. I mean, मैं जब यहाँ पे पहली बार आई थी ना, so मुझे ये जगह बहुत interesting लगी थी. Just see this. Wow. Yeah. सोचा कि इस जगह को एक location के तौर पे use करूँ. Location के तौर पे use करूँ? मतलब Reiki? You're doing Reiki? Precisely. I mean, come on, dude. मैं न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग सीख कर आई हूँ, alright? इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स, कुछ अलग एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनाई है. I've also been awarded by the Cannes Film Festival and all the international film festivals and all. यहाँ पर इंडिया में आकर I want to work in the mainstream cinema. I want to make a film. You want to make a film? Yep. वैसे तो मैं तुम्हारे डैड के साथ हिंदी कमर्शियल मसाला फिल्म कर ही रही हूँ, बट मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा हटके है, इट्स लिटिल डिफरेंट. रियली? या इट्स माय ड्रीम, इट्स माय प्रोजेक्ट. यू नो व्हाट्स द टाइटल? द वाटर. तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं पढ़ने के लिए स्पेक्स यूज करने लगी हूँ. 4 साल से दिन रात न जाने कितना रिसर्च, R&D. आई मीन आई जस्ट गिविंग माई लाइफ टू इट कंप्लीटली. आंखें फोड़ कर
सारे फ्रेम्स विजुअलाइज कर रही हूँ, न जाने कितने स्क्रीन प्लेज लिख दिए मैं। जब न्यूयॉर्क में थी तब सोचती थी कि इंडिया जाते ही अपनी फिल्म शुरू कर दूं, पर यहां आकर देखा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एक भी ऐसी हीरोइन नहीं है जो मेरी फिल्म में काम करने को तैयार हो। ऐसी भी क्या खास बात है? यू नो व्हाट प्रेम, आजकल की फिल्म्स में ना आंखें चकाचौंध कर देने वाला ग्लैमर होता है, एक्सोटिक लोकेशंस होते हैं, रोमांस के नाम पर रोमांस के सिवा सब कुछ होता है। हाँ तो ऐसी फिल्म के लिए तो तुम्हें काफी लड़कियां मिल सकती है। मुझे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो है क्या तुम्हारी फिल्म? मेरी फिल्म ना कहानी नहीं, जिंदगी है। जिस लड़की को सारे गांव वाले विधवा कहकर धुतकार देते हैं, वही लड़की इन सब के लिए पानी लेकर आती है। मेरी फिल्म ना कहानी नहीं, जिंदगी है। तुमने कभी किसी लड़की को सफेद लिबास में देखा है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक फूल से उसके रंग, उसकी खुशबू चुरा ली हो। ऐसा लगता है जैसे बादलों से पानी सूख गया हो। ये कहानी एक विधवा की जिंदगी का सफर है। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई है, उसकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं और उसके गांव से पानी। ये लड़की स्ट्रगल करती है अकेले, किसी के साथ के बिना। वो किसी तरह से गांव में पानी फिर से लाना चाहती है, भले ही जमीन फाड़ कर। सारे गांव वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी है, लेकिन ये लड़की उम्मीद नहीं छोड़ती और पानी लेकर आती है गांव। जिस लड़की को सारे गांव वाले विधवा कहकर धुतकार देते हैं, वही लड़की उन सबके लिए पानी लेकर आती है। जो लड़की पूरे गांव के लिए मीठा पानी लेकर आती है, उस लड़की की किस्मत में सिर्फ खारा पानी होता है जो उसकी आंखों से बहता है, सिर्फ खारा पानी। मल्लिका महेश्वरी, अगर मैंने तेरे शहर में, तेरे इंडस्ट्री में, तेरे ही सामने तुझे सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं।